हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अफरीन अरफा शेख यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका वाजिद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MRF रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, आपके साथियों को दोस्तों को शेयर करो। उसके साथ आपको कुछ भी डाउट है इसमें, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दे दूंगा। तो उसके साथ में क्या है फ्रेंड्स, एक छोटा रिक्वेस्ट, क्या बोले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बाजुक में एक घंटी का सिंबल आ जाता, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद मैं ऑल बोल के प्रेस करें तो मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहले से पहला आपको पाके पहुंचता फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब तो हम ये वीडियो को चालू करेंगे। अब इसमें ये वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं बोले तो, अब देखो MRF रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपके MRF लिमिटेड। एप्लीकेशन कैसा करना बोले तो, ऑनलाइन में एप्लीकेशन सबमिट करने का रहता। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडियंस, जो भी इंडिया में है वो पूरे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जॉब लोकेशन बोले तो, इंडिया में कहाँ भी मिल सकता बोले तो हम सेलेक्ट करना पड़ता। बाद में एप्लीकेशन फ़ी, उसको तो फीस किसी को नहीं है फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल मुफ्त में दे रहे। एप्लीकेशन का फीस तो कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन करा बोले तो, MRF नेवर आस्क टू पे मनी फॉर जॉब। आप पेमेंट के लिए पेमेंट किसी को भी नहीं देना बोले तो, जॉब के लिए पेमेंट किसी को भी नहीं देना बोल के क्लियर से मेंशन कर दिया MRF वाले ने। अब आपको क्या पोस्ट है बोले तो, इसके पोस्ट का नाम देखो, ये पूरे डिपार्टमेंट्स है फ्रेंड्स, प्रोडक्शन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये पूरे आपको डिपार्टमेंट्स लगते। वो डिपार्टमेंट्स में आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसको देखे उसका सेलेक्टेड जॉब आप देखना पड़ता। अब देखो MRF टाइप रिक्रूटमेंट 2020 सैलरी बोले तो, ये एज पर नाम काई को बोले तो, इसमें एक्सपीरियंस पर्सन को भी ले रहे हैं, फ्रेशर्स को भी ले रहे हैं, उसीलिए एज पर नाम्स बोल के रखे। बाद में क्या बोले तो, यहाँ पे क्लियर से फिर भी मेंशन करा कि डोंट पे टू एनीवन टू गेट द जॉब। MRF नेवर आस्क टू पे मनी फॉर जॉब। जॉब के लिए MRF पैसा किसी को भी नहीं पूछता बोल के क्लियर से मेंशन कर दिए। यहाँ पे देखो ऑवरेज क्या बोले तो, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट भी एज पर नाम्स काई को बोले तो, फ्रेशर्स का एज तो 22-23 रहता, अगर ना तो 25 तक रहता, अब एक्सपीरियंस वालों का एज तो 35-40 तक रहता, उसीलिए एज पर नाम्स बोल के रखे। बाद में MRF रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता बोले तो, एज पर नाम्स बोल के रखे। ये इंटरव्यू तो कंपलसरी अटेंड होना ही पड़ता। उसके साथ साथ क्या है, जो थोड़े डिपार्टमेंट रहते उसमें, वो डिपार्टमेंट को आपको ग्रुप डिस्कशन भी अटेंड करना पड़ता। ओके ना फ्रेंड्स। उसके बाद इसको कैसा अप्लाई करना बोले तो, देखो वो MRF कैरियर वेबसाइट में जाने के बाद उसमें जो एप्लीकेशन ओपन होता उसको पूरा डिटेल्स फिलअप करना, उसके साथ साथ में ईमेल आईडी फ़ोन नंबर तो कंपलसरी देने का रहता। कहीं को बोले तो, आपको बाद में कम्युनिकेशन करना बोले तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी कंपलसरी, उसीलिए आप दोनों को कंपलसरी एंटर करना पड़ता। बाद में क्या है, अपलोड रिज्यूम एंड क्लिक ऑन सेंड ऑप्शन, आपका रिज्यूम भी अपलोड करना पड़ता, उसके साथ में सेंड ऑप्शन रहता, वो सेंड ऑप्शन को क्लिक कर देना। अब देखो ये कब स्टार्ट हुआ बोले तो, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट कब बोले तो, एज सून एज पॉसिबल, कभी भी बंद कर सकते। ओके ना फ्रेंड्स। उसीलिए क्या है, अब देखो ये ऑनलाइन का एप्लीकेशन कैसा प्रोसेस करना, क्या कैसा फिलअप करना बोल के आपको दिखा तो मैं, अब देखो इस पर क्लिक कर दिया तो कैसा था मानो आपको ऐसा दिखाता। ये कॉशनरी वार्निंग बोले तो, अब एक नामेदार कोई भी है तो उसके इतने सारे फेक आ रहे हैं ना, उसीलिए ये क्या करे बोले तो, हमारा कुछ भी नहीं ऐसा सिंबल आना। अगर आपको कुछ भी डाउट है राइट टू अस, ये उनका मेल है, आपको कुछ भी डाउट है तो इसको मेल करके पता कर लेना अगर ये ओरिजिनल है या फेक है बोल के। ये तो ओरिजिनल है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके साथ में क्या करना बोले तो फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे आपको स्टार मार्क दिख रहा है ना, वो तो मैंडेटरी है, कंपलसरी एंटर करने का आइटम हो। अब देखो आपका नाम भर दीजिए, बाद में जेंडर डालो मेल या फीमेल, बाद में डेट ऑफ बर्थ है मेंटर कर दीजिए, बाद में मैरिटल स्टेटस बोले तो, आप मैरिड है सिंगल है वो कंपलसरी, इसको तो मैंडेटरी नहीं दिखाया लेकिन आप तो कंपलसरी इसको भी फिलअप कर दो। बाद में ये देखो ईमेल और मोबाइल नंबर है ना, ये दोनों को पक्का डालना। एक बार डालने के बाद क्या करते हैं, फिर और एक बार चेक करो। कहीं को बोले तो, एक बार आपका एप्लीकेशन सेंड हो जाता ना, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पा सकते। उसीलिए क्या है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कंपलसरी डालना। उसके बाद क्या है, आपका एड्रेस डाल दो, आप जहाँ पे रहते हैं वो पिन कोड डालो। अब स्टेट बोले तो क्या है, इसमें पूरा ऑल इंडिया के स्टेट्स दिखा रहे, अब लेकिन एक तेलंगाना नहीं दिखा रहे। तेलंगाना वाले क्या करना बोले तो, ये आंध्र प्रदेश है ना, इसको चुनाव करना। इसको चुनाव करने के बाद क्या होता, देखो अब दिखा रहा हूँ उनको, उसको जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखा रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट को ऐसा सेलेक्ट करना, अगर ना दूसरा स्टेट वाले क्या करते हैं, अगर आपको आपका एरिया दिखा रहा है तो
आपका एरिया सेलेक्ट करो, अगर ना तो क्या करते आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। उसके बाद क्या करना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन करें, डिप्लोमा करें, पोस्ट ग्रेजुएट करें, आप जो भी करके हैं उसको यहाँ पे फिलअप करना। उसके बाद उसका परसेंटेज भी यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद क्या है, देखो पोजीशन अप्लाइड फॉर, पोजीशन कौन सा पोजीशन को अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे है, एयर होस्टेस, प्रोडक्शन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें आपका क्वालिफिकेशन को जो भी सेट होता उसी उद्योग को आप सेलेक्ट करो। उसके बाद प्रेफर्ड लोकेशन, आप जिस लोकेशन में काम करने का इरादा है आपको उसी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बोले तो यहाँ पे जो लिखे थे वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा आप जो भी लोकेशन आपको इंटरेस्ट है वो लोकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स, अब एक्सपीरियंस बोले तो अब जहाँ पहला पिछला कहाँ पे काम करें उसका कंपनी का नाम डालना पड़ता, पीरियड ऑफ वर्क डालना पड़ता, पोस्ट डालना पड़ता। अब जो भी कितने भी है उतने, अगर आप एक करें, दो करें, तीन करें या पांच भी करके रहते ना, अब जितने भी है उतने डालना इसमें। बाद में क्या करते वो पूरा आप कापीस लेके जाना। अब टोटल एक्सपीरियंस कितने साल कितने मंथ्स है वो पूरा डाल देना। अब लास्ट आप कितना सैलरी निकाल रहे वो सैलरी CTC के द्वारा डाल देना। बाद में आप एक्सपेक्टेड सैलरी भी इधर डाल देना। उसके बाद क्या है, अगर फ्रेशर्स को है तो जस्ट फ्रेशर पे क्लिक करना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड CTC, आप कितना पेमेंट हर महीना कितना सैलरी मांग रहे। बोले तो आप क्या करते हैं मानो 24,000 या 25,000 डाल दो इधर, वो अब दूसरा कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं फ्रेशर्स बोले तो। बाद में आपका रिज्यूम इधर अपलोड करने का रहता, क्या बोले तो आपका रिज्यूम है ना पूरा 2 MB का साइज रहना। अगर ज़्यादा रहता तो क्या होता मानो आपका रिजेक्ट हो जाता, नहीं तो ये ब्राउज़र ही नहीं लेता यहाँ पे। अब अपलोड जब भी करते अपलोड नहीं लेता। अब पूरा एप्लीकेशन देखो ये अगर पूरा भरने के बाद एक बार पूरा चेक कर लो, कहीं को बोलो तो एक बार सेंड बटन मार दिए तो आप फिर करेक्शन करने का चांस ही नहीं रहता आपको। अगर उसमें उसके बाद क्या है, अगर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी कंपलसरी डालने का रहता, अगर नहीं डाले तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाता आपको। अगर आप इंटरव्यू को सेलेक्ट हुए तो आपको कम्युनिकेशन कैसा करते, उसीलिए पूरा वो सैग्रीड करके आपको दे देते, आप टेंशन लेने की बात कुछ भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये पूरा फिलअप करने के बाद क्या करते आप सेंड बटन पे सेंड मार दो। सेंड मारते थी उनका HR डिपार्टमेंट के पास चले जाता, अब वो पूरा आप शॉर्टेज करके अब आपको मेल के द्वारा मैसेज भी रखते, बाद में मोबाइल को कॉल भी कर सकते, किसी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन तो आ जाता इंटरव्यू ये डेट में है बोल के। ओके ना फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके फ्रेंड्स, बाय।